अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियो है आप लोग मुकम्मल देख सकें, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। जल्दी से रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। ये देख लीजिए, मेरे पास है जी कोलेजन सीरम फेशियल मास्क, एंटी एजिंग मास्क है ये। बिरली कंपनी का ये मास्क है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं बिरली कंपनी के शीट मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा औसम है। एंटी एजिंग एंटी रिंकल मास्क है ये, शीट मास्क है ये, जापनीज़ मास्क है ये, चाइना और जापान जो है इनका ये मास्क है, इनकी प्रोडक्ट है ये। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट हैं इनकी प्रोडक्ट्स के। मैं बिरली की बहुत ज़्यादा कंपनी जो सीरम्स हैं और इनके उनका रिव्यू भी आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, उनकी वीडियोस भी, और उनके शीट मास्क का भी रिव्यू कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी रिंकल और एंटी फाइन लाइन्स जो रिंकल्स हैं उनका एंटी एजिंग मास्क आप लोगों के साथ शीट मास्क उसका शेयर करने जा रही हूँ। उसके ऊपर इन्होंने इसके इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो भी मैंशन किए गए हैं। ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन जो हैं वो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आप लोगों को पता है जापनीज कंपनी जो है ये, इनका ये ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो भी इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि जी आप लोगों ने अपने फेस को अच्छी तरह से किसी भी अच्छे क्लिनजर से वॉश करने के बाद फेस वॉश से आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर आप लोगों ने इसको अप्लाई कर देना है। सीरम को कैसे आप लोग स्टोर कर सकते हैं इस शीट मास्क के साथ, मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में वो भी शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस पाउच के अंदर मौजूद सीरम को भी आप लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको इस शीट मास्क के बाद भी कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो अगर आप लोग ये परचेज़ नहीं कर सकते, अगर आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को घर पे ही बताऊंगी कि अफोर्डेबल एंटी एजिंग एंटी रिंकल मास्क आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़रा जल्दी जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कि आप लोग ये घर बैठे कैसे आसानी से इसी क्वालिटी का एंटी एजिंग मास्क किस तरह से बना सकते हैं। ये है जी सी वीटा क्रीम, आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। मेरे चैनल पे इसकी भी अलग से वीडियो मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज़ वो देख सकते हैं। और इस सी वीटा ब्यूटी वर्ल्ड लिखकर आप लोग सर्च करें, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जी कि ये मेडिकेटेड क्रीम है, आप लोगों की पिगमेंटेशन को रिमूव करती है। इसमें हाई जो है वो पिगमेंट्स हैं विटामिन सी के, जो आप लोगों की स्किन को प्रिजर्व करती है, लोगों की स्किन को इन्हेंस करती है, ब्राइटन अप करती है, और आप विटामिन सी को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है। बहुत जल्दी आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। विटामिन सी जो है हम लोगों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, आप लोगों को पता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर किया था कि विटामिन सी हमारी बॉडी को कितना चाहिए, कितना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको जाकर ज़रूर देख चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हम लोगों को सेकेंड इन्ग्रीडियंट चाहिए जी, वो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं। ये आप लोगों को 3 से 4 चाहिए, और सी वीटा क्रीम जो है ये आप लोगों को 1 चम्मच चाहिए। एक दफ़ा लेकर रख लें ये ट्यूब, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अर्से तक आप इसको काम में ला सकते हैं। अगर आप लोग सी वीटा क्रीम नहीं ले सकते तो कोई भी विटामिन सी सीरम आप लोगों के पास पड़ा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बिरली का ही विटामिन सी सीरम मौजूद है, तो मैं इसका भी यूज़ कर सकती हूँ, और सी वीटा क्रीम का भी। जो भी आप लोगों के पास चीज़ अवेलेबल है आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। सो जी नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर आप लोग दोनों में से कोई एक चाहें आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन मेडिकेटेड है ये क्रीम और थोड़ा रिजनेबल है सीरम की निस्बत, इसलिए आप लोगों को मैं ये करूँगी कि रेकमेंड करूँगी कि सी वीटा क्रीम जो है इसको मेडिकल स्टोर से परचेज़ करके रख लें। आई थिंक 200 से 300 की रेंज में आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी। ये अर्की गुलाब इसके अंदर मैंने ऐड करना है जी, और फिर उसके बाद है एलोवेरा जेल, ये येस नाउ कंपनी की, आप किसी भी ब्रांड की कंपनी की जो है आप लोग ले सकते हैं एलोवेरा जेल। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को एक अदर स्पैचुला चाहिए, और हाँ मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो शूट करना वो भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर एलमंड ऑयल भी ऐड किया है 2 टेबलस्पून, ठीक है, 2 बड़े चम्मच जो है एलमंड ऑयल के आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं इसके अंदर। मैं वो शूट करना जो था भूल ही गई थी, शूट हो नहीं पाया था, वो स्किप हो गया बीच में से। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया था जी ग्लिसरीन 1 चम्मच। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप लोगों को टोटल चाहिए, और इससे आप लोगों को एक बेहतरीन सा आप लोगों को घर बैठे ही ब्रांड के मुकाबले का आप लोगों को जो है एंटी एजिंग एंटी रिंकल मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सीरम बता रही हूँ कि ये आप लोगों की फाइन लाइन्स और रिंकल्स को घर बैठे ही रिमूव कर देगा।
अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, आप इसको इस तरह से क्रीम फॉर्म में भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको स्प्रे बॉटल में डालकर इसको मतलब लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। मैं आप लोगों को इसके दोनों तरीके बता देती हूँ कि आप लोगों ने जी एक चम्मच जो है वो सी वीटा क्रीम ले लेनी है, एक चम्मच आप लोगों ने ले लेना है अर्क गुलाब, दो चम्मच ऐड कर लें, और एक चम्मच आप लोगों को चाहिए ग्लिसरीन, और दो चम्मच आप लोगों को चाहिए एलमंड ऑयल, और तीन कैप्सूल चाहिए विटामिन ई के। अब लिक्विड फॉर्म में करने के लिए आप लोगों को इसके अंदर एलोवेरा जेल को ऐड नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर गुलाब को ऐड करना है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में रहे। आप लोगों ने इसके फेस को वॉश करने के बाद दो तीन पम्प्स जो है वो सुबह उठते आते जाते अपने फेस के ऊपर इसको पम्प्स कर लें। ये आपकी स्किन को फ्रेशन अप करेगा, बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करेगा, आपकी फाइन लाइन्स रिंकल्स इंस्टेंटली आपकी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग 25 है ना तो आप लोग अभी से इसको यूज़ करना शुरू कर दें, अपनी रूटीन में इसको शामिल रखें, आते जाते फ्रिज से जब भी कोई चीज़ निकालने लगे तो फ्रिज से इसका जल्दी जल्दी पम्प्स जो हैं वो अपने फेस पे ज़रूर कर लें। और क्रीम फॉर्म में बनाने देते हैं तो वही अर्क गुलाब की जगह आप लोगों को एलोवेरा जेल ऐड कर लेनी है, लेकिन अर्क गुलाब भी ऐड करिएगा क्योंकि इसकी अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्रीम फॉर्म में ऐड करते वक्त आप लोग एलोवेरा जेल ऐड कर लें और उसके साथ अर्क गुलाब का भी एक चम्मच ऐड कर लें, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है तो इसके अंदर एलोवेरा जेल को ऐड मत करिएगा। अब आपके पास जो है इसी तरह का इसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखते हुए बिल्कुल इसके मुकाबले का एंटी एजिंग एंटी रिंकल सीरम जो है वो घर बैठे तैयार हो चुका है। इसको आप लोगों ने इस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप क्रीम फॉर्म में बना रहे हैं एलोवेरा जेल डालकर तो इसको अपनी फेस को वॉश करने के बाद थोड़ा सा लेकर अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। रात को सोते वक्त भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्रीम को, और इससे अच्छी तरह अपनी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब कर लें, ये बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। विटामिन सी क्रीम जो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड की है ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देगी, आप उनकी स्किन को इन्हेंस करेगी, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी और लाइंस जो हैं वो सिरे से ही गायब कर देगी। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।